सो ऑन चिल्ड्रंस डे वी रिमेम्बर पंडित जवाहरलाल नेहरू, राइट? तो बिकॉज ही थॉट अ लॉट अबाउट चिल्ड्रन, आईआईटीज, एम्स, एम्स यू नो द बिगेस्ट मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया, ठीक है, एम्स का उन्होंने शुरू किया, आईआईटीज उन्होंने शुरू किए, आईआईएम द बिगेस्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने शुरू किए, ठीक है। तो उन्होंने बच्चों की, उन्होंने सबसे पहले क्या देखा कि इंडिपेंडेंट, हमारे इंडिया की प्रोग्रेस के लिए व्हाट इज द यू नो मेन रिक्वायरमेंट, इट इज द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। हम क्या कहते हैं, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, राइट? हम यही कहते हैं ना। तो जितने बच्चे एजुकेट होंगे उतना हम प्रोग्रेस कर पाएंगे, सिर्फ बुक्स पढ़ने से नहीं बेटा। बुक्स पढ़ना इज ए गुड थिंग, बट उसका क्या करना है, उसको हमने अपनी लाइफ में यूज करना है, जो हम बुक्स में पढ़ रहे हैं। एजुकेशन इज नॉट ओनली इन बुक्स बट इन डेली एक्टिविटीज। हम अपने टीचर्स को देखते हैं, हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं, हम अपने फ्रेंड्स को देखते हैं, रिलेटिव्स को देखते हैं, उनकी कुछ चीजें जो है हमें लगता है ये कितना अच्छा कर रहे हैं, ये कितना मीठा बोल रहे हैं, ये किसी पे गुस्सा नहीं करते, कितना अच्छा रहता है, हमारी टीचर हमें कितनी अच्छी तरह से पढ़ा रही है, हमारे साथ ये कितने साथ घुल मिल रही है। सो दीज थिंग्स वी एब्जॉर्व, राइट? एंड दिस इम्प्रूव्स अवर क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो चीजें हम अच्छी अच्छी एब्जॉर्व करते हैं उससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है इम्प्रूव होती है। यू नो आई यूज, मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ। एक आई यूज टू यू नो सी दैट सीरियल अशोका, आपने देखा था, वो टीवी पे आता था, येस और नो? नहीं नो है ना, आप शायद बहुत छोटे थे, 3-4 साल पहले आता होगा, सीरियल आता था एक अशोका, उसमें मतलब अशोका के पीछे से, अशोका के पहले बर्थ से, मुझे अब राजाओं के नाम नहीं याद है, आई होप बिंदुसार था, तो उसने, उसका भाई जो था यू नो स्टेप ब्रदर, वो उसके साथ बहुत ज्यादा जो है वो घृणा करता था, हेट करता था, जिसके कारण वो उसको बहुत हार्म करता था बिंदुसार को। तो बिंदुसार उससे प्यार करता था, बट बिंदुसार ने क्या किया, आई होप बिंदुसार ही था, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट चलिए हमने कहा पर्सन ए, किंग ए है ना, स्टेप ब्रदर बी। तो उसने, उसको पता चल गया, पहले उसे पता नहीं था कि उसका स्टेप ब्रदर उसके साथ क्या बुरा कर रहा है, व्हेन ही कॉट दैट कि भी उसने अपनी कंट्री को भी नुकसान पहुंचा रहा है, मुझे भी नुकसान पहुंचा रहा है, सबसे बड़ा है कि कंट्री के लोगों को हार्म कर रहा है। तो उसने, बॉयज एट थे बेटा, सिट स्ट्रेट, इधर उधर नहीं, ठीक है। तो उसने क्या कहा, उसने अपने भाई को जेल में डाल दिया, राइट? और उसके बाद उसने उसको जो है फांसी तो उसको लगनी लगनी थी, फिर उसका भाई कहता मुझे माफ कर दो, मुझे ये कर दो, मुझे ठीक है, मुझे फांसी तो लगाओ बट मुझे आप एक्सक्यूज जरूर करो। तो उस किंग ए ने, बट ही सेड, वो कहता कि तुम्हें मैं बिल्कुल माफ कर रहा हूं, किसके लिए माफ कर रहा हूं, तुम्हारे लिए नहीं, आप अभी छोटे हो शायद ये समझ नहीं पाओगे, बट आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड, ये मैं अपने लिए माफ कर रहा हूं ताकि मुझे अंदर से शांति मिल जाए कि मैंने उसे माफ किया, मेरे लिए, मेरे अंदर किसी के लिए हेट्रेड नहीं है, ठीक है। तो अब दो फ्रेंड्स है, दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों एक दूसरे से हेट करना शुरू कर गए, तो दोनों को ही गंदा लग रहा है। हम किसी से हेट करते हैं तो दैट डिस्टर्ब्स अस, हम किसी पे गुस्सा करते हैं, हम चीखते चिल्लाते हैं किसी पे, अगर कोई टीचर आपको डांट रही है बेटा तो ये मत सोचो कि टीचर को बहुत अच्छा लग रहा है, नो दैट हर्ट्स टीचर। हमें एक मजबूरी, कोई बच्चा मान ही नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो हमें थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ता है, ठीक है, कि बच्चा सुन नहीं रहा, ये नहीं सोचना है कि टीचर को बहुत अच्छा लगा, नहीं, उसका अपना मेटाबॉलिज्म खराब हुआ है, उसका अपना दिमाग पे इफेक्ट हुआ है, उसके अंदर टॉक्सिन्स जनरेट हुए हैं। बच्चे को इतना हार्म नहीं होता जितना हमें खुद को हार्म होता है जब हम किसी को एंगर करते हैं, इज इट राइट? और जब हम किसी को एक्सक्यूज कर देते, किसी ने गलती कर दी, हमने कहा कोई बात नहीं, तुमने ये गलती की है, इसको इम्प्रूव करो, आई डोंट हैव एनी ग्रजेस विद यू, ठीक है, सो दैट गिव्स कामनेस टू अस। तो हमने क्या करना है, हमने एंग्री नहीं होना है, ठीक है, हमें गुस्सा नहीं करना है। लोगों में बहुत ज्यादा, बच्चों में आजकल, कि अच्छा मुझे किसी ने कह कैसे दिया है, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगा,
ठीक है। तो एक हमारा, मैंने और क्लासेस में भी बता रही हूँ कि हमारे दिमाग में किसी का कोई कसूर नहीं, हमारे दिमाग में एक सेंटर है एमिगडेला, विच इज द सेंटर ऑफ एंगर, रेज, गुस्सा आ गया, बदला लेना है, बट इट्स कंट्रोल इज अवर विल। अगर हम चाहते हैं कि अगर वो एमिगडेला काम ना करे तो वो नहीं काम करेगा। इज इट ओके? क्या Yes. तो हमने काम एंड क्वाइट, जब हमें गुस्सा आ रहा हो, दिस आई हैव प्रैक्टाइज्ड इन माई लाइफ, मुझे भी बहुत कई बार बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, बट नाउ व्हाट आई हैव प्रैक्टाइज्ड कि जब मुझे गुस्सा आया, जब किसी ने बोला, तो मुझे इमीडिएटली किसी को कुछ नहीं कहना है, थिंक ओवर इट ट्वाइस कि क्या हम इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या हमें रिएक्टिव होना है, नहीं होना। ओके? हमें अपने पे कंट्रोल करना है। 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लो, तुम्हें गुस्सा बहुत आ रहा है, कोई सामने से बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, तुम अपनी आंखें बंद कर लो, अपने पे कॉन्सेंट्रेट करो। एक तो दूसरे की बात सुनाई नहीं देगी जब वो इतना ज्यादा बोलेगा, और 2 मिनट बाद लगेगा कि मैंने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया, ये बहुत अच्छा हुआ। ओके? ठीक है जी। तो आज चिल्ड्रंस डे पे हम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो किया, दैट इज ए थिंग, बट एक जो मैंने आपको ये बताया कि बीइंग अ टीचर, दिस इज माय एडवाइस टू यू पीपल ऑन चिल्ड्रंस डे, कि कंट्रोल योर एंगर, इट विल कंट्रोल योर ईगो। व्हेन यू लीव योर ईगो, लीव योर कंट्रोल, यू विल बी काम इनसाइड। व्हेन यू आर काम इनसाइड, देयर विल बी नो टॉक्सिन्स इन योर बॉडी। When there are no toxins in your body, you will be healthy and wealthy. Is it right? करेंगे हम प्रैक्टिस ये? Yes or no? 8th है, 8th B। चलिए अब मुझे ना फेथफुली ये बताएंगे, ऑल्दो टाइम हो रहा है बट फिर भी फेथफुली ये बताएंगे, 8th A में से कौन से बच्चे हैं जिनको साइंस में इंटरेस्ट नहीं है? फेथफुली बताना है, कोई बात नहीं, नहीं होता, इसमें क्या बात है। रेज योर हैंड्स कि हमें साइंस अच्छी नहीं लगती, भी हमें नहीं पढ़ना अच्छा लगता, हमें हिस्ट्री पढ़नी अच्छी लग रही है, वी लव इंग्लिश, वी लव हिंदी, बट वी डोंट लव यू नो साइंस, एनी स्टूडेंट। हाँ जी, 8th B, रेज योर हैंड्स फेथफुली, सच में बताना है, देखें किसमें हिम्मत है सच बोलने की। ऐसा तो नहीं है कि सब बच्चों को साइंस बड़ी अच्छी लगती है, ऐसा तो आई डोंट एग्री विद दैट। चलिए आज, हाँ देखो, 8th B में कुछ बच्चों का है, वेरी गुड, देर आर टू स्टूडेंट्स आई एम सीइंग, देर आर टू बॉयज आई थिंक, वेरी गुड बेटा, नो प्रॉब्लम्स, नो प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो आपने पढ़ के, अब मेरे से पढ़ के ये सोचना है ना, कि मेरे से पढ़ के या कुछ करके ये सोचना है कि भाई क्या हमें इंटरेस्ट आ रहा है। एक मैं तुम्हें छोटी सी एक और स्टोरी बताती हूँ, ट्रू स्टोरी है। देयर वॉज ए वन पर्सन, पीसी मुस्तफा, फ्रॉम सम केरला टाउन, राइट? ही फेल्ड इन आई थिंक क्लास 4th और क्लास 5th। व्हेन ही फेल्ड, ही लेफ्ट द स्कूल। उसने कहा मुझे पढ़ना ही नहीं है, मुझे पढ़ाई आती नहीं है, मुझे समझ ही कुछ नहीं आता है। बट हिज टीचर नेम्ड मैथ्यू, आप कभी पीसी मुस्तफा जो है ना गूगल पे भी सर्च कर लेना, मैथ्यू सर थे, उन्होंने उसको बुलाया कि क्या बात है। वो कहता कि मुझे समझ नहीं आता, मैं फेल, पता नहीं एक बार फेल हुआ कि 2 बार फेल हुआ, तो मैं स्कूल में जाकर क्या करूं। ही सेड नो, कम टू द स्कूल, बट यू नो सेलेक्ट विच सब्जेक्ट यू डोंट लाइक। सबसे पहले उसने कहा कि जो सब्जेक्ट तुम्हें समझ में नहीं ना आ रहा, सबसे पहले वो सब्जेक्ट देखो। जनरली आज भी वही हाल है बच्चों का, मैथ्स कहता मुझे सबसे बुरा लगता है, कहता हम जो है हम मैथ्स पर ही काम करेंगे सबसे पहले, राइट? हिज टीचर सपोर्टेड हिम, उस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया, उसे समझाया कराया, एंड ही गॉट फर्स्ट डिवीजन और फर्स्ट पोजीशन इन मैथ्स इन द क्लास, एंड देन ही रीगेन्ड हिज कॉन्फिडेंस, एंड देन ही एक्सेल्ड इन स्टडीज, और उसके बाद उसने इंजीनियरिंग की, एंड टुडे ही इज वन ऑफ द करोड़पति इन इंडिया, आईसी फूड्स उसकी कंपनी का नाम है, मल्टी मिलियन डॉलर्स की कंपनी है उसकी। सो व्हाट आई वांट टू से, एनीबॉडी कैन एक्सेल इन स्टडीज, स्टडीज गिव द कॉन्फिडेंस। सिर्फ क्या है, एक समझना है हमने चीजों को,
और जब समझ में आ गई चीजें तो एवरीथिंग इज ओके, एम आई राइट? तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, डू यू गेट द असाइनमेंट्स? यस और नो, रेज योर हैंड्स हु हैव गॉट द असाइनमेंट्स। वेरी गुड, देखना, अब देखना कि ये सबको आती होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कीजिए। ये हमने पिछली बार, एवरीबडी हैज टू डू themselves, किसी से इधर उधर पड़ोसियों से हमने नहीं देखना। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। आप 6 तक करिए जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड, जल्दी से। और अपना अपना, इधर उधर नहीं, इधर उधर बिल्कुल नहीं देखना, अपना करना है। बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू द आंसर, नो प्रॉब्लम। इसमें से फर्स्ट 2 क्वेश्चंस मैंने बताए हुए हैं, आगे के क्वेश्चंस आपको आते होंगे। इट्स वेरी इजी, सो लेट्स सी। बुक्स बंद कर दो, जिनकी भी बुक्स खुली हुई है क्लोज योर बुक्स, हमें बुक्स चाहिए ही नहीं। जल्दी से फटाफट। बातें नहीं बेटा, बिल्कुल बातें नहीं। यस, बातें बिल्कुल भी नहीं, एकदम डिसिप्लिन क्लास। यू विल सी मोर एंड मोर डिसिप्लिन, मोर विल बी द लर्निंग। फर्स्ट बेंच गर्ल्स, अपना बेटा, 8th B। चलिए जी, 8th B, यू नो द 4th रो टुवर्ड्स वॉल एंड 3rd बेंच फर्स्ट बॉय, कम फॉरवर्ड जल्दी से। चलो कोई बात नहीं, जो खड़ा है बेटा आप ही आ जाओ, आप ही आ जाओ, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट क्वेश्चन, टेल मी द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। जो डायग्राम है, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट्स? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा। टेल मी बेटा, पहले तो नाम बताओ अपना क्या है। ओके बेटा, चलिए यू टेल मी कि बाय विच टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई एम गिविंग यू द चॉइस, सी हियर, वन इज फिशन, सेकेंड इज बडिंग, थर्ड इज फ्रेगमेंटेशन। विच टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज शोन बाय हाइड्रा? टेल मी बेटा, इट इज बाय बडिंग। वेरी गुड, वेरी गुड, सिट डाउन बेटा, गो टू योर सीट। सो हाइड्रा इज शोइंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग। एंड रिमेंबर, इसी के साथ ही लिख लेना है सबने, हाइड्रा ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन। साथ ही इसी क्वेश्चन के साथ लिख दो, हाइड्रा ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन। इफ दिस इज हाइड्रा एंड इफ वी कट इट इंटू सेवरल पीसेस, देन ईच पीस, मैं इस तरह थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता रही हूं,
ईस्ट पीस इट रीजेनरेट्स इन टू ठीक हाइड्रा, दिस इज फ्रेगमेंटेशन। सो इन हाइड्रा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय बडिंग एज वेल एज बाय फ्रेगमेंटेशन, बट दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बडिंग। इज इट ओके एवरीबडी? क्वेश्चन नंबर टू, एट्थ ए, रोल नंबर फाइव, जल्दी से। अरमान, अरमान इज देयर, जल्दी से भाग के आओ बेटा। क्वेश्चन नंबर टू, हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय, मैंने अभी आपको बताया है। बहुत बोथ ए एंड बी, दैट इज बाय बडिंग एज वेल एज फ्रेगमेंटेशन। वेरी गुड, सिट डाउन बेटा। देन एट्थ ए, 44 रोल नंबर, योविका, जल्दी से कम फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, सेक्सुअल की एसेक्सुअल? सेक्सुअल, सेक्सुअल व्हाई वी से इट इज सेक्सुअल? कॉस्ट यस, आप बैठिए योविका, वेरी गुड। हम, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? ऊपर देखिए ध्यान से, इधर देखो, स्टेप्स ऑफ, सॉरी नॉट एसेक्सुअल, आई एम सॉरी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस इज ऑर्गेनिज्म, एनी ऑर्गेनिज्म, मेल एंड फीमेल। द मेल प्रोड्यूस मेल गैमेट्स, फीमेल प्रोड्यूस, यस एवरीबडी, फीमेल फीमेल गैमेट्स। द टू फ्यूजेस एंड द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। प्रोसेस ऑफ फ्यूजन इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ द सेल ऑफ जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म एम्ब्रियो। एम्ब्रियो डेवलप्स टू फॉर्म अगेन अडल्ट ऑर्गेनिज्म। सो द टू मेजर इवेंट्स, वन इज फर्टिलाइजेशन एंड वन इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, दीज आर द टू मेजर इवेंट्स। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड सेकेंड इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। विच रिप्रोडक्शन, यस, एट्थ बी, रोल नंबर 30, परमवीर, जल्दी से कम फॉरवर्ड। एंड माई क्वेश्चन इज, विच रिप्रोडक्शन इज क्विक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल की सेक्सुअल? दोबारा एक्चुअल से, जल्दी कौन सी होती है, एसेक्सुअल, मैं ए बता रही हूं, एसेक्सुअल, और बीटा बॉम्बे जो है वो है सेक्सुअल। आपने मुझे बताना है कि आंसर कौन सा है, अहमदाबाद की बॉम्बे? ए सेक्सुअल, राइट? सो हंसना नहीं बेटा, बिल्कुल सिंसियर, एकदम गर्ल्स, एकदम सीधे। सो क्विक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कटिंग करो लगाओ प्लांट बन जाता है, राइट? एंड स्लो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। वेरी गुड, बैठो। देन एट्थ ए, रोल नंबर 23, जिया, जिया क्विक, जिया शर्मा,
विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस वेरिएशन, ए और बी? वेरिएशंस, वेरिएशंस इन द ऑफस्प्रिंग्स, ऑफस्प्रिंग्स होते हैं बच्चे। ध्यान से मुझे बताना है कि जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स से किस में डिफरेंट होंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो बच्चे बनेंगे या सेक्सुअल से? सेक्सुअल सेक्सुअल से, तो आंसर इज बीटा। ठीक है, वेरिएशंस होते हैं डिफरेंसेस, हम अपने पेरेंट्स से डिफरेंट है क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हैं। ठीक है, बैठिए। एट्थ बी, रोल नंबर 3, अंकित जल्दी से भाग के। व्हाट इज क्लोनिंग बेटा? रमेश व्हाट इज क्लोनिंग? क्लोन्स क्या होते हैं? मैम, कॉपी ऑफ पेरेंट्स। कॉपी ऑफ द पेरेंट्स, बिल्कुल ठीक है। विच आर जेनेटिकली सिमिलर, हम सिंपल बात में कहेंगे विच आर कॉपी ऑफ द पेरेंट्स, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट्स। वेरी गुड, बैठो बेटा, वेरी गुड। देन रोल नंबर 18, एट्थ ए, हरसिमर भाकर। बेटा क्लोन्स कौन सी रिप्रोडक्शन बनाएगी, एसेक्सुअल की सेक्सुअल? एसेक्सुअल। एसेक्सुअल, वेरी गुड, दैट्स गुड, बैठो बेटा, वेरी गुड। इसका मतलब तुम्हें समझ सब कुछ आ गया। रोल नंबर 18, एट्थ बी, जगरूप भाकर। Which type of reproduction helps in evolution? नई नई चीजें, evolution means changes with time. Sexual, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। very good, that's good. I should clap for all the students because they have understood the difference between asexual and sexual. Very good students. ठीक है जी। Then next आ जाता है बेटा, eighth A, roll number 29, रविंदर। रविंदर इज देयर? नहीं है, कोई बात नहीं। 36, शिवम। बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन असाइनमेंट का ही है, आर ह्यूमंस यूनिसेक्सुअल की बायसेक्सुअल? बाइसेक्सुअल। बेटा अब मैं तुम्हारा से, एनीबडी, तुम्हें पता है यूनिसेक्सुअल? हैव यू हर्ड अबाउट यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल? यस और नो? अच्छा बैठो बेटा, बैठो, मैं बताती हूँ। सो ऑर्गेनिजम्स, सुनना है ध्यान से, दे कैन बी सम ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेक्सुअल एंड सम आर बायसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मींस सेक्सेस डिफरेंट, और यू कैन से इन अदर वर्ड्स वी कैन से मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिजम्स आर डिफरेंट। सो नाउ एवरीबडी टेल मी, व्हाट आर ह्यूमंस, आर दे यूनिसेक्सुअल? यस मेल एंड फीमेल्स आर डिफरेंट, एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्स ऑर्गन्स नहीं है, दे वी आर यूनिसेक्सुअल। एग्जाम्पल आ जाता है बेटा, ह्यूमंस है, उसके बाद अगर आप देखें बर्ड्स में भी अलग होते हैं, देन फ्रॉग्स में भी मेल और फीमेल अलग है, देन इंसेक्ट्स में भी मेल एंड फीमेल अलग है, और भी बहुत है बट दीज आर सम एग्जाम्पल्स। यूनिसेक्सुअल मतलब एक ऑर्गेनिज्म एक ही सेक्स रिप्रेजेंट करता है, आइदर मेल और फीमेल नॉर्मली, बाकी एबनॉर्मेलिटीज है दैट इज ए सेपरेट इश्यू, राइट? देन बायसेक्सुअल, बाय मीन्स टू, व्हेन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन सेम ऑर्गेनिज्म, इट इज कॉल्ड एज बायसेक्सुअल व्हेन बोथ मेल। एंड एग्जाम्पल इज द मोस्ट कॉमन विच यू कैन रिमेंबर,
दैट इज अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म हैज मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इन द सेम ऑर्गेनिज्म, राइट? सो ह्यूमंस आर एवरीबडी यूनिसेक्सुअल, ठीक है? तो ये घर जाके अपने वीडियो जो है रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पे, डू एवरीबडी नोज अवर यूट्यूब चैनल? यस, है ना? घर जाके ये दोबारा से रिवाइज करना है और इसको कहीं नोट भी कर लेना अगर कर सकते हो, नहीं तो दोबारा दोबारा आप जितनी मर्जी बार रिवाइज कर सकते हो, राइट? सो यूनिसेक्सुअल ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल अर्थवॉर्म इज बायसेक्सुअल, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर बायसेक्सुअल, राइट? मोस्ट ऑफ द, सभी नहीं बट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर बायसेक्सुअल। बर्ड्स आर, ह्यूमंस आर, इंसेक्ट्स आर, कॉकरोचेस यूनिसेक्सुअल, फ्लाइज आर, फ्लाइज भी तो इंसेक्ट्स है बेटा, स्पैरो इज, मैमल्स, जितने भी मैमल्स है जिन जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, विच फीड देयर यंग वंस विद द मिल्क, दैट आर यूनिसेक्सुअल। सो काओ इज, हॉर्सेस आर यूनिसेक्सुअल। नाउ यू नो, इज इट क्लियर? सो दिस क्वेश्चन की ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल की बायसेक्सुअल, दैट इज यूनिसेक्सुअल। देन नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा कि हमारी बॉडी में, बेटा दिस कैविटी, हमारी बॉडी में तीन कैविटीज है, दिस कैविटी वेयर लंग्स आर प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड एज चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी। उसके बाद नीचे जहां पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब स्टमक लिवर इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज एब्डोमिनल कैविटी। एंड थर्ड जो नेवल, नेवल होती है जो हमारी ये नेवल, डू यू नो नेवल प्रेजेंट इन योर स्टमक, धूनी जिसको बोल देते हैं पेट में, ठीक है? इसको हम नेवल बोलते हैं इंग्लिश में। नेवल से जो नीचे वाला पोर्शन है दैट इज योर पेल्विक कैविटी। एवरीबडी पुट हैंड्स ऑन योर थोरेसिक कैविटी। कहां पे है थोरेसिक कैविटी? थोरेसिक कैविटी चेस्ट कैविटी, एवरीबडी, राइट? देन एब्डोमिनल कैविटी, पुट योर हैंड्स ऑन एब्डोमिनल कैविटी। एंड देन पेल्विक कैविटी, पुट योर हैंड्स ऑन पेल्विक कैविटी। सीधे बैठो, सीधे, एकदम सीधे। पेल्विक कैविटी बिलो नेवल, तो थ्री कैविटीज कौन सी है एवरीबॉडी? एट्थ ए, फर्स्ट कैविटी इज चेस्ट कैविटी, सेकंड कैविटी इज एब्डोमिनल कैविटी, एंड थर्ड कैविटी इज पेल्विक कैविटी। ओके, सो अगेन एट्थ बी अब बताएगी मुझे, फर्स्ट इज चेस्ट कैविटी जिसको हम और क्या बोलते हैं, इट इज थोरेसिक कैविटी। व्हाट इज प्रेजेंट हियर? लंग्स, रिब्स, हार्ट, ये तो मेन है। देन सेकेंड कैविटी इज एब्डोमिनल कैविटी, वेयर स्टमक इंटेस्टाइन लिवर पेनक्रियास दे आर प्रेजेंट। एंड थर्ड कैविटी इज पेल्विक कैविटी, याद रहेगा? सो पेल्विक कैविटी हैव अवर रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, जहां पर किडनीज आ जाती है। सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन द पेल्विक कैविटी। आप कभी ध्यान से देखना कि जब आपको यूरिन का प्रेशर पड़ता है तो कहां पे आपको प्रेशर फील होता है, आज करके देखना। तो यू विल सी कि लोअर नेवल से नीचे वाले पोर्शन में यू फील द प्रेशर। सो दैट इज, व्हाट इज दैट? दैट इज द पेल्विक कैविटी। इज इट ओके? डू यू गेट मी? ठीक है, सो आई शो यू कि कैन यू सी दिस? सो इफ यू कैन सी कि यहां पर क्या है, रिब्स है। तो रिब्स के ये नीचे जो ये कर्व सा नजर आता है, यहाँ पे डायफ्राम होगा। तो डायफ्राम से ऊपर ऊपर क्या है, दैट इज थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी। उसके बाद यहां से लेकर यहां तक, ये जो रिंग दिख रहा है इसके ऊपर तक, दिस इज एब्डोमिनल कैविटी। और जो बेटा ये रिंग के अंदर जो है, दिस इज, यस, द थर्ड कैविटी इज पेल्विक पेल्विक कैविटी। ठीक है, ये रिंग जो बन रहा है इसको बोलते हैं पेल्विस, और इसके अंदर जो कैविटी है पेल्विक कैविटी। सबसे ऊपर रिब्स के अंदर कौन सी कैविटी, उसके बाद रिब्स और पेल्विस से ऊपर कौन सी कैविटी, और पेल्विस के अंदर जो ये रिंग है इसके अंदर कौन सी कैविटी, पेल्विक कैविटी। एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट वेयर, पेल्विक कैविटी। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज प्रेजेंट वेयर, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट वेयर, चेस्ट कैविटी। मैक्सिमम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट वेयर, मैक्सिमम, क्योंकि ऊपर से ही शुरू हो जाता है ना हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, बट मैक्सिमम इज प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी। इज इट ओके? सो द क्वेश्चन वॉज वेयर रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट। सो वेयर इट इज प्रेजेंट? इट इज प्रेजेंट इन द, इट इज प्रेजेंट इन द पेल्विक कैविटी। यस, नेक्स्ट एवरीबडी, सेक्स ऑर्गन्स इन ह्यूमन मेल्स आर, पेल्विक ह्यूमन मेल्स में सेक्स ऑर्गन्स, व्हाट आर सेक्स ऑर्गन्स? फर्स्ट थिंग देखिए, एक देयर इज वन कंप्लीट सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज टू पार्ट्स, विच आर द टू पार्ट्स? सेक्सुअल सेक्स ऑर्गन एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। व्हाट आर सेक्स ऑर्गन्स? हाउ कैन यू डिफाइन सेक्स ऑर्गन्स? मीन्स विच प्रोड्यूस गैमीट्स। एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स, फंक्शन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट्स, हेल्प इन फर्टिलाइजेशन हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। मतलब इनमें से कोई से भी फंक्शंस हो सकते हैं, बट दे हैव टू मेन फंक्शंस विच प्रोड्यूस गैमीट्स एंड अनदर इज विच प्रोड्यूस सेक्स हॉर्मोन। हॉर्मोन्स आर केमिकल्स इन अवर बॉडी विच कंट्रोल वेरियस फंक्शंस इन अवर बॉडी, दैट आर हॉर्मोन्स।
राइट? सो मेन फंक्शन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, यस, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स एंड प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स, राइट? सो नाउ टेल मी, विच इज द सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन मेल्स? एट्थ ए बेटा, दैट आर गैमेट्स कौन से हैं? देखो ध्यान से, अगेन नेक्स्ट हम बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्स ऑर्गन्स, दे प्रोड्यूस गैमेट्स, राइट? सो विच इज द, कौन से गैमेट हो सकते हैं? मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट्स आर स्पर्म्स एंड फीमेल गैमेट्स आर एग्स, दीज आर गैमेट्स। अगेन सेकेंड फंक्शन वॉज प्रोड्यूस सेक्स हॉर्मोन्स, मेल हॉर्मोन कौन सा है बेटा? एनीबडी हु नोज? यस, वेरी गुड, इट इज टेस्टोस्टिरोन। एंड विच इज द फीमेल हॉर्मोन? फीमेल, देयर आर टू फीमेल सेक्स हॉर्मोन, वन इज ईस्ट्रोजन एंड द सेकेंड इज प्रोजेस्ट्रॉन। इज इट ओके? नाउ टेल मी कि सेक्स ऑर्गन्स ने या स्पर्म्स बनाए या एग्स बनाए या टेस्टोस्टिरोन बनाया या ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन बनाया, बट विच इज द सेक्स ऑर्गन, क्या नाम है सेक्स ऑर्गन का? यस, एट्थ ए अर्शप्रीत सिंह, रोल नंबर 7। जल्दी से भाग करो फटाफट से। गुड अर्शप्रीत, टेल मी विच इज द सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन, इन मेल्स, कौन बनाता है स्पर्म्स? ऑप्शन दूं मैं? चलो एक ऑप्शन हम दे देते हैं आपको, ओवरीज, ओविडक्ट्स, वास डेफरेंस एंड टेस्टीज। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दैट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट। ठीक है बेटा अर्शप्रीत, वेरी गुड, बैठो। सो टेस्टीज, माइंड में 5 बार बोलो, टेस्टीज आर सेक्स ऑर्गन्स इन मेल्स। यस, विच आर द सेक्स ऑर्गन्स इन मेल्स? टेस्टिस। टेस्टिस क्या है? सेक्स ऑर्गन है। टेस्टिस क्या क्या बनाती है? दो चीजें बना रही है, कौन सी दो चीजें बना रही है? फर्स्ट इज स्पर्म, सेकेंड इज, सेकेंड इज टेस्टोस्टिरोन, राइट? सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टिस? टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड टेस्टो स्टिरोन। इज इट ओके एवरीबडी? ठीक है जी। देन एट्थ बी, 24 रोल नंबर, जसप्रीत। मैम हाँ जी जसप्रीत, आप बताइए बेटा मुझे कि विच इज द सेक्स ऑर्गन इन फीमेल्स, इसमें से, इन ऑप्शंस में से बता दो, ओवरीज, ओविडक्ट्स, वास डेफरेंस, टेस्टिस। कोई और नहीं बोलेगा बेटा, जसप्रीत विल टेल मी। यस जसप्रीत, ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। ठीक है जसप्रीत, आप बैठो बेटा, वेरी गुड। सो ओवरीज आर द सेक्स
सेक्स ऑर्गन्स इन ह्यूमन फीमेल्स? यस, 8th B, 34 रोल नंबर पुनीत। पुनीत टेल मी, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ओवरीज? एक तो मैंने आपको बताया कि दीज आर द सेक्स ऑर्गन्स इन फीमेल। इधर देखो, सामने, बिल्कुल माइक के पास और बिल्कुल सामने, किसी की तरफ नहीं। व्हाट आर द टू फंक्शंस, क्या प्रोड्यूस करती हैं ओवरीज? They produces एग, एंड सेकेंड इज eggs. ईस्ट्रोजन। हम कह सकते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन, अगर आपको नहीं याद है तो फीमेल सेक्स हार्मोन, राइट? दैट्स करेक्ट, बैठो बेटा, वेरी गुड। तो ओवरीज, व्हाट दे प्रोड्यूस एग्स एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स, विच आर द टू? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, क्लियर? जल्दी से, सेक्स ऑर्गन्स ह्यूमन मेल्स में कौन से है एवरीबडी? टेस्टीज और फीमेल्स में कौन से है? ओवरीज। भूलोगे तो नहीं? ठीक है जी, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 था, सेक्स ऑर्गन्स इन ह्यूमन मेल्स आर, लिखो जरा और बोलो जल्दी से। एंड फीमेल्स आर, वेरी ओवरी। गुड, लिखो जरा जल्दी से। चलिए जी, नाउ अब देखिए, हम बात कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, कहां पर है, क्या है उसमें, क्या नहीं है। दिस इज, लेट अस से, राइट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लेटर। मैंने उसका सिर नहीं बनाया, ठीक है? चलिए, ह्यूमन मेल इन जनरल, राइट? सो हेयर दीज आर लेग्स, दिस इज इंटरनल कैविटी, ये थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, एंड दिस इज द थर्ड कैविटी इज पेल्विक कैविटी। दैट्स एब्सोल्यूटली करेक्ट। सो एंड ह्यूमन मेल्स में सेक्स ऑर्गन्स कौन से हैं? टेस्टीज, बिल्कुल ठीक है। सो वेयर टेस्टीज आर प्रेजेंट? आउटसाइड द कैविटी, पेल्विक कैविटी, ये पूरी कैविटी से बाहर, लेग्स के बीच में, देयर इज ए सैक कॉल्ड एज स्क्रोटम, राइट? सो अब मैं थोड़ा सा बड़ा, पेल्विक कैविटी को हम और क्या बोल देते हैं? लोअर एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है? एब्डोमन के नीचे है ना, तो लोअर एब्डोमिनल कैविटी भी कह सकते हैं। सो दिस इज सैक लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज स्क्रोटम, एंड दिस हैज टेस्टीज, दिस इज वन टेस्टी, दिस इज अनदर टेस्टिस, सो दिस इज टेस्टिस कनेक्टेड टू द स्क्रोटम वॉल। सो वेयर द, ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन इज टेस्टिस आर, ए है इंट्रा एब्डोमिनल, हेयर एब्डोमिनल मीन्स लोअर एब्डोमन, पेल्विक कैविटी, हेयर वी आर इंट्रा एब्डोमिनल मीन्स इंट्रा पेल्विक कैविटी, सेकेंड इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल मीन्स आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी,
एब्डोमिनल मीन्स पेल्विक कैविटी, मतलब इस कैविटी के, ये जो पूरी कैविटी है इससे बाहर है। सी इज, यू कैन से, पार्टली एक्स्ट्रा एंड पार्टली इंट्रा एब्डोमिनल। मैंने आपको टेस्टिस की पोजीशन बता दी, लेग्स के बीच में बाहर वाली साइड एक सैक है, एक सैक लाइक एक थैली सी है जिसके अंदर टेस्टिस पड़ी हुई है, राइट? सो नाउ टेल मी, हु इज गोइंग टू टेल मी, राइट? क्लास 8A, सगरदीप सिंह, सागरदीप, आई होप, 31 रोल नंबर, कम क्विकली बेटा, मुझे अपने नाम प्रोनाउंसिएशन बताओ, सागरदीप की सगरदीप? सागरदीप। सागरदीप, यस, टेल मी बेटा, सागरदीप टेल मी, टेस्टीज आर इंट्रा एब्डोमिनल की एक्स्ट्रा एब्डोमिनल? इंट्रा एब्डोमिनल ये है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इससे बाहर है, ठीक है? नाउ टेल मी, इंट्रा एब्डोमिनल, अगेन मैं बता रही हूँ, इंट्रा एब्डोमिनल है आपके अंदर प्रेजेंट है ना, कैविटी के हमें बाहर दिख नहीं रही है, और एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है कि नहीं हमें पता चलता है कि कहाँ पर है, कहाँ पर है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एब्डोमिनल? डू यू नो वेयर योर टेस्टीज आर प्रेजेंट, यस और नो? यस, ठीक है, सो टेस्टीज आर वेयर दे आर, दोबारा से बताओ, बिटवीन बिटवीन द लेग्स, आर दे एक्स्ट्रा के इंट्रा? एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बैठो बेटा, ठीक है, सो टेस्टीज आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। ओवरीज, क्या गर्ल्स को ओवरीज नजर आती है अपनी, यस और नो? हाँ जी, 8B, डू यू नो वेयर आर, डू यू फील वेयर योर ओवरीज आर प्रेजेंट, यस और नो? सीधे होके बैठो, सीधे होके, इट इज वन ऑफ योर सिस्टम, नथिंग टू फील कि भी हाय मैम क्या पूछ रही है, नहीं, इट्स योर सिस्टम, इट्स जस्ट योर डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगर आप बता सकते हो कि लंग्स यहाँ है तो हम बता सकते हैं कि ओवरीज कहाँ है, क्या आपको कहीं पे बाहर ओवरीज नजर आती है फीमेल्स के, यस और नो? 8B, बेटा मुझे तो नहीं नजर आती भी कहां पे मेरी ओवरीज है अंदर, मुझे अब ये मैंने पढ़ लिया है तो मुझे पता चल गया, अदरवाइज आई डोंट फील कि कहां पे ओवरीज प्रेजेंट है एग्जैक्टली, बिकॉज फीमेल्स में ओवरीज कहां पे प्रेजेंट है, यहां पे प्रेजेंट है, मेल्स में टेस्टिस कहां पे प्रेजेंट है, यहां पे प्रेजेंट है। सो श्वेता, रोल नंबर 37, 8B, टेल मी, ओवरीज आर इंट्रा एब्डोमिनल की एक्स्ट्रा एब्डोमिनल? इंटरनल इंट्रा एब्डोमिनल, वेरी गुड, एंड टेस्टिस आर एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, वेरी गुड श्वेता, बैठो बेटा, सो आपको ये पता होना चाहिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7th देखिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 7th, एंड डू क्वेश्चंस ए एंड बी, हाँ जी, डन बेटा, पढ़ो इसको एक बार, जल्दी से, क्विक, इतनी देर में जरा ये डायग्राम बना लूं,
अच्छा तो बातें बिल्कुल नहीं। हाँ जी बेटा। सो प्रणव 33 रोल नंबर 8th B, जल्दी से कम फॉरवर्ड। यस प्रणव, बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन टेल मी व्हाई टेस्टिस इन मेल्स आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। अच्छा मुझे ये बताओ कि इस इंफॉर्मेशन से आपको क्या पता चला, एब्डोमन का टेम्परेचर ज्यादा है कि कम है? ज्यादा ज्यादा है। इसका मतलब किसके कंपैरिजन में? स्क्रोटम के कंपैरिजन में, राइट? सो एब्डोमिनल टेम्परेचर इज हाई, स्क्रोटम टेम्परेचर इज लो, स्पर्म्स आर किल्ड एट हाई टेम्परेचर। सो नाउ टेल मी व्हाई टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। मैंने आंसर भी बता दिया आपको, चलिए जल्दी से। यस देखो, क्या इस इंफॉर्मेशन ने क्या बताया है कि स्पर्म्स हाई टेम्परेचर पे मर जाते हैं, एक ये चीज उसने बताई। दूसरी बताई कि जो एब्डोमन का टेम्परेचर है वो हाई होता है, स्क्रोटम का टेम्परेचर कम होता है। अब ये मुझे बताइए कि टेस्टिस किसमें प्रेजेंट है, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है कि स्क्रोटम में प्रेजेंट है? स्क्रोटम स्क्रोटम में प्रेजेंट है। स्क्रोटम एब्डोमन से बाहर है, लेग्स के बीच में है, इज इट ओके? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, यस और नो प्रणव? यस यस। तो अब मुझे बताओ कि इसका टेम्परेचर एब्डोमिनल कैविटी से कम है तो क्योंकि वाई। अब क्वेश्चन आपको सारा आंसर भी बता दिया सब कुछ, अब आपने एक्सप्लेन करना है वाई टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, वो स्क्रोटम में एब्डोमिनल कैविटी से बाहर क्यों है? बिकॉज वेरी गुड, बिकॉज स्क्रोटम हैज लेस की मोर टेम्परेचर, लेस लेस टेम्परेचर देन लेस कौन सी कैविटी? डोमिनो एब्डोमिनल कैविटी। एंड स्पर्म्स गेट किल्ड एट हाई हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर, यही तो चीज थी। वेरी गुड प्रणव, पता चला आपको? वेरी गुड प्रणव, बैठो आप। 8th B में से ही एक बच्चे का हाथ खड़ा था, एक देर इज वन बॉय कम फॉरवर्ड जिसका हाथ खड़ा है, जल्दी से आ जाओ। यस यू टेल मी नाउ, यू एक्सप्लेन द आंसर क्विकली। Because बिकॉज द स्पर्म्स गेट्स किल्ड एट हाई टेम्परेचर एंड स्क्रोटम हैज लो टेम्परेचर, सो टू प्रोड्यूस लिविंग स्पर्म्स द टेस्टिस आर प्रेजेंट आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी, इज इट ओके? राइट, टेम्परेचर बैठो बेटा, वेरी गुड। सो अगेन इन वन लाइन, व्हाई टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल एज, या यू कैन से टू मेंटेन लो टेम्परेचर।
एज स्पर्म्स आर किल्ड एट हाई टेम्परेचर। इज इट क्लियर? देन सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन इफ द टेस्टिस रिमेन इन द एब्डोमन। महेश्वरी एट्थ ए एब्सेंट एंड देन पवित सिंह एट्थ ए। जल्दी से बेटा कम फॉरवर्ड क्विकली। सो व्हाट विल हैपन अगर किसी में किसी कारण से टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं है एब्डोमिनल कैविटी में ही होगी तो क्या होगा? स्पर्म्स जिंदा रहेंगे कि मर जाएंगे? मर जाएंगे। सो हम व्हाट इज द आंसर? वेरी गुड बेटा बैठो। स्पर्म्स विल गेट किल्ड इफ द टेस्टिस आर इंट्रा एब्डोमिनल देन स्पर्म्स विल गेट किल्ड एंड द मेल विल बी स्टराइल। स्टराइल का मतलब होता है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। इज इट ओके? क्लियर एवरीबडी? क्लियर यस और नो? जल्दी से। सो टेस्टीज आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल की इंट्रा एब्डोमिनल? एट बी एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। एट ए द नेम ऑफ द सैक वेयर टेस्टीज आर प्रेजेंट इट इज कॉल्ड एज स्क्रोटम। दैट इज कॉल्ड एज स्क्रोटम। एट्थ बी टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम इज लेस और मोर देन एब्डोमिनल कैविटी? लेस देन एब्डोमिनल कैविटी। एट्थ ए इफ द टेस्टिस आर इंट्रा एब्डोमिनल द पर्सन विल बी स्टराइल की फर्टाइल? स्टराइल। स्टराइल मीन्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस एज देयर स्पर्म्स गेट किल्ड। द मेल गैमीट्स एट्थ बी आर कॉल्ड एज स्पर्म्स। दैट आर स्पर्म्स। विच आर द सेक्स ऑर्गन्स इन फीमेल्स? एट्थ ए यस जोर से एट्थ ए फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं? मुझे समझ नहीं आ रही। इज इट ओवरीज की टेस्टीज? ओवरीज। विच इज द मेल सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमंस? एट्थ बी मेल सेक्स हॉर्मोन। एट्थ बी जोर से टेस्टोस्टेरोन। फीमेल सेक्स हॉर्मोन। एट्थ ए ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन याद रहेगा? ठीक है जी। चलिए ये मैंने थोड़ा सा बताया, मैं फटाफट से इसको समझा के थोड़ा सा हम खत्म करते हैं। दिस इज टेस्टिस। यहाँ पे हमारी अंदर एब्डोमिनल कैविटी शुरू हो जाती है। तो टेस्टिस में से ये एक स्ट्रक्चर है, ये वाला, दिस इज कॉल्ड एज एपिडिडिमस। आपकी बुक में शायद एपिडिडिमस नहीं दिया हुआ? दिया हुआ है। वेरी गुड। उसमें से एक डक्ट निकलती है, दिस इज वास डेफरेंस। वास डेफरेंस। वास डेफरेंस का क्या फंक्शन है? टेक द गैमेट्स अवे फ्रॉम द टेस्टिस। ठीक है, देख रहे हो आप? ये सारी वास डेफरेंस है, ये अंदर चलेगी एब्डोमिनल कैविटी में। एंड दे यू नो दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में से एक पाइप निकलती है, दैट इज कॉल्ड एज यूरेथ्रा। राइट। सो वास डेफरेंस ओपन्स इन द यूरेथ्रा, इट पासेस स्पर्म्स इन द यूरेथ्रा, देन यूरेथ्रा कम्स आउट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी एंड कवर्ड बाय ए स्किन एंड द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पेनिस। दिस इज पेनिस। और ये इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो है ये वाला पोर्शन है, ये यूरेथ्रा ही है। यूरेथ्रा इज द कॉमन पैसेज फॉर सीमन। सीमन क्या है? जिसमें मेल गैमीट्स है, स्पर्म्स है। सीमन एंड यूरिन।
राइट? सो यूरेथ्रा इज द कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एज वेल एज सीमन. ओके, व्हाट इज सीमन? सीमन हैज स्पर्म्स प्लस फ्लूइड. ठीक है, स्पर्म्स को मूव करने के लिए एक फ्लूइड चाहिए, तो वहां पे फ्लूइड भी है. इज इट ओके? क्लियर टू एवरीबडी? सो विच इज द कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म्स एंड सीमन? यस, यूरेथ्रा. विच डक्ट टेक्स गैमेट्स अवे फ्रॉम द टेस्टिस? वास डेफरेंस. राइट, तो आज आपने क्या होमवर्क है आपका, कि एक तो आपने ये वीडियो विजिट करना है, दोबारा से इसको देखना है, लर्न करना है, और दूसरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बना के लाना है. एक बार देख के बनाओ, फिर बगैर देखे बनाओ. इज इट ओके? और फिर टाइम लगे तो ये असाइनमेंट करनी है, नहीं तो वी विल डिस्कस द असाइनमेंट नेक्स्ट टाइम. सो टीचर्स प्लीज चेक कि भाई ये कल आपने सबने अपनी मैम को डायग्राम बनाकर दिखाना है कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाया. ठीक है मैम? तो इनका एक तो आपने ये चेक करना है कि भी इन्होंने डायग्राम बनाया कि नहीं बनाया, और दूसरा नेक्स्ट सैटरडे इनको एक बार दोबारा से याद करवा देना है कि ये मंडे को अपनी असाइनमेंट लेकर आए. राइट, थैंक यू टीचर्स, थैंक यू स्टूडेंट्स. ओके बेटा, बाय बाय. बाय बाय.